रीवा खबर संग्राम न्यूज़ आपका स्वागत है। मैं उन्नीस गुप्ता, संवाददाता रीवा। आज बघेली न्यूज़ चैनल के रीवा के शैलेंद्र आज़ाद की खास बातचीत हमारे द्वारा की जा रही है। आइए जानते हैं कि इनके द्वारा रीवा को क्या सौगात मिली है। प्रणाम भैया, हम बघेली गायक शैलेंद्र आज़ाद, हमारे जितने वरबिंद के दर्शक रूपी भगवान देख रहे हैं, उनका पैर छू के प्रणाम करी थे। हम बघेली के निरंतर काम कर रहे हैं और गाने निरंतर गा रहे हैं और नए नए गाना लाने की कोशिश करी थे, नई नई चीज़ क्रिएट करके लाई थी। जी, विंध्य क्षेत्र में आपका कब से काम चालू कर रहे हैं, कैसा सही? सर, मैं जब बॉम्बे में था तो 2 साल पहले मैं बॉम्बे में, फिर वहाँ से मेरा गाना कंटिन्यूटी रिकॉर्डिंग चालू था और कुछ गाने आने लगे मार्केट में। फिर एक गाना मेरा बघेली में आ गया, पुलिया में इंतजार करी थी। अच्छा, पुलिया में इंतजार करी थी। जी जी। तो आप कुछ हमको अपने कार्यक्रमों के बारे में सुना के बताएं। वो गाना जो मेरा वायरल हुआ था तो पुलिया में इंतजार करी थी, एक लाइन में सुना कर बता रहा हूँ आपको। जी, अरे प्याज करी थे हो हम एक राज करी थे, हाँ हाँ प्याज करी थे हो हम एक राज करी थे, रोज पुलिया में तुहार इंतजार करी थे, अब हूँ मैडम मलाई आ तुहा का का हम बताई, आ गाँव गमाई में फैशन दिखाओ बे जल्दी से मगिया खटाई, कितना तू करी है लड़ाई बघेली न समझ मना आई, अरे रीवा में चला ट्यूशन पढ़ा के तुहका बघेली सिखाई। ये गाना फेमस हुआ। फिर इसके बाद सेकंड गाना मेरा आया होगा हमका प्यार रीवा वाली से, फिर लगातार गाने क्रमशः वायरल होने लगे और सब पब्लिक सुनने लगी और पसंद करने लगी। जी, आवाज़ आपकी बहुत अच्छी है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे कोई नया सॉन्ग आपको जो आने वाला हो? मेरा भी एक गाना आने वाला है, वो गाने का अभी टेलीकास्ट नहीं कर सकता हूँ, वो फिल्म का गाना। कौन सी फिल्म में आने वाला है? मेरा इसका जुनून बन रही है शॉर्ट फिल्म में, उसमें वो गाना आएगा। कब तक वो लॉन्च होने वाला है? वो मतलब जुलाई के लास्ट एंडिंग तक रिलीज होगा। अच्छा जी। और मेरा यूट्यूब चैनल है शैलेंद्र आज़ाद रीवा, उसमें मेरी सारे वीडियो आते हैं, मेरे गाने आते हैं, और जिनको मतलब बिंद में जितने भी कमेडियन कलाकार शॉर्ट फिल्म वगैरह सब सारे जो बनाते हैं जी, तो गाने की जब डिमांड करते हैं तो मैं गाना दे देता हूँ, सेल कर देता हूँ। अभी दीपक भैया का एक फिल्म आई थी गाँव के राशि, वो 50,000 पार हो चुका वो गाना। वो गाना ऐसा था, बिंदास उस गाने का नाम था। वो गाना एक लाइन में सुना रहा हूँ आपको। देखन जब से तुहका नींद नहीं आवे, आ दिले होइगा पैकल बस तुहरे काई भगे, का बताई तुहरे माऊ का लगाई नी, का बताई तुहरे माऊ का लगाई नी, माँ कसम भगवान कसम दिनदास बनाई नी। ये गाना हुआ था, भैया ने लिए थे गाना। जी, तो और प्रोग्राम आपका रीवा में कहाँ कहाँ आयोजन किया गया? अभी रीवा में मेरा प्रोग्राम, मैं जब बघेली बौछार हुआ था तब मैं आया था देखने के लिए परफॉर्मेंस, और बाकी मेरा स्टेज शो चालू रहता है, मैं स्टेज शो में प्रोग्राम करता हूँ। शादी, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है किसी के यहाँ तो मुझे बुलाते हैं और हमारी टीम और हम जाते हैं। जी, निवास स्थान अपना? मेरा है, मैं सपना से हूँ और सपना से ही, और मेरी फैमिली बॉम्बे से जुड़े हुए हैं। हाँ, और मेरी फैमिली बॉम्बे में रहती है। अच्छा, और रीवा में मेरा ज़्यादा रहन सहन रहा। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे न्यूज़ चैनल पे आने के लिए, बधाई देते हैं। बहुत और धन्यवाद आपका कि हमें इनवाइट किया है, आपने मौका दिया, और अच्छे कार्य में बढ़ते रहें, ये हमारी कामना है। आपका नाम? मेरा नाम शैलेंद्र आज़ाद और मेरा यूट्यूब चैनल है शैलेंद्र आज़ाद रीवा, मेरे सारे वीडियो उसमें मिल जाएंगे, और जो मेरे ऑडियंस देख रही है वहाँ पे जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और गाने को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें।
और अपनी भाषा को बढ़ाते रहें और सब कलाकारों को सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया का चैनल सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बघेली।